इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी दूसरी जनता की अदालत के बीच में मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि इस्तीफा देने के बाद कि मैं करप्ट हूं या नहीं हूं, ये फैसला जनता करे, मैं उनकी अदालत में जाऊंगा। तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में बोल रहे हैं और वो भी इन्हीं एग्जिट पोल का इशारा लेते हुए कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार का हश्र देख लीजिए हरियाणा में क्या होने जा रहा है। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। एक इंजन तो जून में ही खराब हो गया था जब इनके 240 सीट आई थी। अब दूसरा इंजन एक एक करके अभी हरियाणा से दूसरा इंजन जा रहा है, फिर जम्मू कश्मीर से जा रहा है, फिर झारखंड से भी जाएगा, फिर महाराष्ट्र से भी। अब सारे डबल इंजन की सरकार जा रही है। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। अब दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली में आके ये कहेंगे डबल इंजन सरकार बना दो, डबल इंजन सरकार बना दो। इनसे पूछना जब आए कि भाई हरियाणा वालों ने बनाई थी तुम्हारी डबल इंजन की सरकार, 10 साल तक इनकी हरियाणा में डबल इंजन की सरकार रही, तो ऐसा क्या करा तुमने कि हरियाणा में आज कोई इनको अपने गांव में नहीं घुसने दे रहा। पता है आप लोगों को, आपकी रिश्तेदारियां होंगी गांव में, मैं गया था अभी, पूरे हरियाणा में घूम रहा था मैं चुनाव प्रचार के लिए, मैं गया था। भाजपा वालों को गांव के अंदर नहीं घुसने दे रहे, मतलब जैसे धक्के मार मार के लोग मोहल्ले में नहीं घुसने दे रहे, गलियों में नहीं घुसने दे रहे, गांव में नहीं घुसने दे रहे।